Good morning, dear students. This video is for class 3, subject science, chapter 8, an ideal house. What do you understand by this? An ideal house? An ideal house has so many perfections. Jis ghar mein har tarike se acha ho, bana bhi acha hai, wahan saaf safai bhi hai, acche se sab log reh rahe hain, to wo kya ho gaya? An ideal house. Ideal house ho jata hai. Now come to the next topic. How can I make an ideal house? आप कैसे एक अच्छा घर बना सकते हैं, आइडियल हाउस बनाएंगे? बिफोर दैट लेट एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. फर्स्टली ओपन द चैप्टर. हैव यू एवर ड्रीम फॉर एन आइडियल हाउस लिविंग? कभी आपने सोचा है कि आप एक अच्छे घर में रहोगे या रहते हो? वेल आई थिंक एवरीवन हैज समथिंग इन माइंड टू लिव इन. मुझे लगता है सबने ऐसा सोचा होगा, बड़ा सा घर हो, बंगलो टाइप, एंड उसमें आप रहो, है ना. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रफ वेदर एंड एनिमीज. घर हमें किससे बचाता है? रफ वेदर से, एनिमीज से. इट गिव्स अस कंफर्ट एंड सेफ्टी. हमें कंफर्ट देता है, सुरक्षा देता है. नाउअडेज पीपल बिल्ड सेवरल टाइप्स ऑफ न्यू ड्यूरेबल एंड ब्यूटीफुल हाउसेस. आजकल लोग बहुत ही बड़े बड़े घर बनवाते हैं जो ब्यूटीफुल होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं. द काइंड ऑफ हाउसेज डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल. एक जो घर होता है उसके लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वहां पर का माहौल कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, क्या वहां पर जो सारी चीजें हमें जरूरत है क्या वो सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है, घर के आसपास कैसा सब है. तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है. नाउ कम टू द टॉपिक, कैसे आइडियल हाउस बनाएंगे. फर्स्ट इज एन आइडियल हाउस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द रफ वेदर, बर्ड्स, रॉबर्स, बर्गर्स एंड एक्सेट्रा. एक आइडियल घर हमें बचाता है धूप से, छांव से, बहुत सारे बारिश से, हर चीज से, रॉबर से, एनिमल से, थीफ से, इन सारी चीजों से बचाता है. सो द हाउस शुड बी सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल एंड अ बिग हाई एंड स्ट्रॉन्ग गेट सो दैट एनिमल्स थीफ्स डू नॉट कम हियर. जो हमारा घर है उसमें बहुत ही बड़ा सा मजबूत गेट लगा होना चाहिए ताकि जानवर वगैरह है या थीफ से वो एंटर ना हो पाए. विंडोज एंड डोर शुड हैव गुड बोल्ट्स टू लॉक देम. डोर एंड विंडोज बहुत ही अच्छे से बोल्ट्स लगे होने चाहिए ताकि वो लॉक हो सके. द विंडोज एंड वेंटिलेटर शुड बी मेड सिक्योर बाय आयरन एंड बार्स. जो वेंटिलेटर्स हैं, विंडोज हैं, वो सारे ग्रिल से बने होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए. देयर शुड बी अ फेंस अराउंड द गार्डन टू कीप द स्ट्रे एनिमल अवे. गार्डन वगैरह होना चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट, द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक एंड रूफ शुड बी हाई टू कीप इट कूल एंड समर. जो हमारे घर की दीवारें होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, एंड जो उनकी रूफ है वो हाई होनी चाहिए ताकि हमें गर्मियों में कूलनेस मिल सके, ठंडी मिल सके. इट शुड लेट एन एम्पल ऑफ सनलाइट एंड शुड बी वेल वेंटिलेटेड. जाल घर में एक बना होना चाहिए जिससे क्या हो, वेंटिलेशन हो सके, सनलाइट आ सके, जितनी जरूरत हो उतनी आ सके. सनलाइट क्या, जम्स. सनलाइट क्या करती है, जम्स को किल करती है. ग्रीन प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस टू कीप एयर क्लीन एंड कूल. हमारे घर के आसपास क्या होना चाहिए, प्लांट्स लगे होने चाहिए जिससे हवा ताजी और अच्छी हो सके. नंबर पॉइंट थर्ड, अ गुड हाउस शुड प्रोवाइड अस एनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कूलिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग. घर में क्या होना चाहिए, अच्छी वाटर सप्लाई होनी चाहिए ताकि हम लोग खाना बना सके, कपड़े धो सके, बहुत सारे काम कर सके. वाटर टैप्स शुड बी फिटेड एट रिक्वायर्ड प्लेसेस इन द हाउस. और वाटर टैप्स वहां हर उस रिक्वायर्ड प्लेस में होना चाहिए जहां पर उनको उनकी नीड है. नाउ फोर, अ गुड हाउस शुड प्रोवाइड एनफ स्पेस. घर में अच्छी स्पेस होनी चाहिए, बहुत सारी स्पेस होनी चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं अच्छे से रह सके. इट शुड हैव किचन फॉर कुकिंग. किचन होना चाहिए खाना बनाने के लिए एंड डाइनिंग रूम फॉर टेकिंग मील्स. और डाइनिंग रूम होना चाहिए ताकि हम लोग खाना खा सके. देयर शुड बी अ सेपरेट स्टडी रूम. एक स्टडी रूम अलग से होना चाहिए. इट शुड बी अ डेकोरेटेड ड्रॉइंग रूम फॉर रिसीविंग एंड एंट्रिंग गेस्ट. गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए ड्रॉइंग रूम होना चाहिए. देयर शुड बी अ स्टोर फॉर कीपिंग बॉक्सेस. एक स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें हम लोग बचे हुए जितना भी हमारे घर का डस्टबिन वगैरह है, कूड़ा कूड़ा है या फिर कुछ भी है तो हम लोग वहां पर स्टोर रूम में उसको रख दें. द वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. इन सारी चीजों का एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली होना चाहिए. पाइप्स जो है वो कभी लीक ना हो, इस तरीके से बना होना चाहिए. ड्रेन पाइप शुड बी प्रॉपरली कवर्ड एज आई टोल्ड यू. नाउ सो दैट इंसेक्ट डू नॉट कम फ्रॉम इट एंड स्पॉइल द हाउस. द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड ऑल द टाइम. तो डस्टबिन है वो पूरा टाइम कवर्ड रहना चाहिए ताकि उसमें से कोई भी गंदगी बाहर ना आ जाए, गिर ना जाए. नाउ फिफ्थ, अ गुड हाउस शुड हैव एन ओपन प्लेस लाइक अ वरांडा. एक ओपन प्लेस
नाउ आवर सेकंड पॉइंट, कीपिंग द हाउस क्लीन, घर को साफ रखना चाहिए. नंबर वन, द फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली एंड फ्लोर शुड बी क्लीन, स्वेप्ट एंड मॉप डेली. जो फर्नीचर है घर का सारा वो डेली साफ होना चाहिए, उसमें गंदगी ना रह जाए, और जो फ्लोर है उसमें झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए, डेली करना चाहिए. नंबर टू, वी शुड कीप अवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. जो चीज जहां से उठाई है वहीं रखिए, कभी भी कूड़ा फैला के नहीं रखना चाहिए, सामान इधर से उधर कर दिया ये भी नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा घर साफ रहे. द बाथरूम टॉयलेट्स एंड वॉश मशीन शुड बी क्लीन डेली. ये सारी चीजें डेली साफ करनी चाहिए. द रबिश शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन. जो भी आपका कूड़ा करकट है वो हमेशा डस्टबिन में डालिए, इधर उधर ना फेंकिए. द हाउस शुड हैव एन एम्पल सप्लाई फ्रेश एयर एंड सनलाइट. घर में हमेशा अच्छी सनलाइट और एयर के लिए होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू.